अच्छा यहाँ छुप के बैठा है भैया, व्लॉग लो छूट करने दूंगे नहीं। चलो भैया बैठा है। तो आज का व्लॉग भाई हम यहीं से शूट करते हैं और बने रहिए आज के इस व्लॉग में। मॉर्निंग सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई दोस्तों आप सभी कैसे हो? और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो बेसिकली आज का एक ब्लॉग बहुत दिनों में ही आ रहा है, बहुत दिनों से मैंने भी ब्लॉग नहीं डाला था तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर रख लूँ पहले से ही मैं। और फिलहाल मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और हमें तो ये पता ही है कि 1 तारीख को महाशिवरात्रि आने वाली है। तो क्या इस महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की जो बहुत प्रिय जो बेलपाती होती है उसकी शॉर्टेज हो जाती है? तो हमने सोचा क्यों नहीं पहले से ही बेलपत्री की व्यवस्था कर रख ले, क्योंकि बेलपत्री कभी ख़राब नहीं होती, मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक जगह ऐसी पता थी तो उस जगह पर आ गए। मम्मी को मैंने पीछे ही उतार दिया था क्योंकि पीछे भी बहुत से पेड़ है, मम्मी वहाँ से तोड़ रही है और ये जो पेड़ देख पा रहे इससे अब मैं बेलपत्री तोड़ूंगा। और इस ब्लॉग में बने रहिए, आगे तो आपको पता ही है कि करना क्या है, तो बस वो कर दीजिए, तब तक हम आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब चाहे जिंदगी जो पेड़ दिख पा रहे काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसमें क्या पत्तियाँ भी बहुत सारी है, ऊपर कुछ फल भी लगे हुए हैं। बट एक्चुअली में क्या है, इसमें जो पत्तियाँ हैं अधिकतम 90% जो पत्ती है वो खंडित हो चुकी है, मतलब कि बहुत ढूंढ ढूंढ कर इसमें से बेल पत्ती निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से पत्तियाँ निकल जाए, और आसपास काफ़ी और भी पेड़ है तो उनसे हम ट्राई करेंगे कि हमें बेलपत्री मिल जाए। सोचते रहेंगे कि भाई बेलपत्री तोड़ना आया, वहाँ भी वीडियो क्रिएट कर लिया। भाई माइंड हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब कि करते रहना चाहिए कुछ भी। कौन सा अपना इसमें क्या जा रहा है? लगता है सूट हो गया।